बच्चों अस्सलाम वालेकुम। निज़ामे दौरान खुद में हमने देखा कि पुणे एक इतनी सारी को आए हैं जिसके जरिए तजियाती मादे और गैसों को जो है वो खलियात तक पहुंचाया जाता है। जब पुणे इन तजियाती मादों और गैसों को लेके जो है वो खलियात तक जाता है उस वक्त खून की नालियों पर जो है वो खून के बहने की वजह से दबाव पड़ता है। इस दबाव को जो है वो इशारे खून या खून का दबाव कहते हैं। प्यारे बच्चों, खून के इसी दबाव की वजह से जिस खून जो है वो जिसम के खलियात तक जो है वो पहुँच पाता है। खून के नालियों खून की नालियों पर पड़ने वाले दबाव को जो है वो दो किस्मों में तकसीम किया गया है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। दिल जब सुपड़ता है उस वक्त जो दबाव होता है उसको सिस्टोलिक दबाव कहते हैं और दिल जब फैलता है उस वक्त जो खून की नालियों पर दबाव पड़ता है उसे डायस्टोलिक कहते हैं। एक सेहतमंद इंसान के जिस्म के खून का दबाव 120 से 139 mm पारे के सुतून के मसावी होता है और 80 से 89 mm पारे के सुतून के मसावी होता है। खून के दबाव की पैमाइश जिस आले से की जाती है उसे स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। कभी कभी खून की नालियों पर जो है वो ज़्यादा दबाव पड़ने की वजह से दिल को जो है वो ज़्यादा काम करना पड़ता है। इस सूरत में जो है वो खून के दबाव पर जो है खून के दबाव में इजाफा होता है जिससे बुलंद इशारे खून का आ जाता है। इसकी मुख्तलिफ हालतें होती हैं। इंसानी जिसमें खून के दबाव की तबई सूरत से ज़्यादा दबाव जब तैयार होता है तो उसे हम बुलंद इशारे खून कहते हैं। बुलंद इशारे खून में दिल को ज़रूरत से ज़्यादा काम करना पड़ता है क्योंकि शरीरों में गैर मामूली तनाव पैदा होता है जिसकी वजह से सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दबाव जो है वो ज़्यादा है। तबई दबाव जो है वो तकरीबन 90 से 119 पारे के सुतून के बराबर होता है और डायस्टोलिक जो होता है वो 60 से लेकर 79 mm पारे के सुतून के मसाले होता है। लेकिन जब बुलंद फिशारे खून होता है उस वक्त इब्तदाई फिशारे खून जो है वो 120 से 189 सिस्टोलिक दबाव होता है और 80 से 90 mm डायस्टोलिक होता है। इसके बाद की जो हालत है जिसको बुलंद फिशारे खून की इब्तदाई पहली हालत कह सकते हैं उस सूरत में जो है वो 140 से 159 mm पारे के सुतून की मसावी सिस्टोलिक दबाव होता है और 90 से लेकर 99 mm पारे के सुतून की मसावी डायस्टोलिक दबाव होता है। अगली हालत जो है जिसको बुलंद फिशारे खून की दूसरी हालत कह सकते हैं जिसमें सिस्टोलिक दबाव जो है वो तकरीबन 160 mm पारे के सुतून से ज़्यादा होता है और डायस्टोलिक जो दबाव होता है वो तकरीबन 100 mm पारे के सुतून से ज़्यादा होता है। इस सूरत में जो है वो दिल को ज़्यादा काम करना पड़ता है और इंसान जो है वो अमराज़-ए-क़ल्ब का शिकार हो सकता है। तो ये थे हमारे खून के जरिए पड़ने वाले खून की नालियों का पड़ने वाला दबाव।